हाँ जी दोस्तों, किद्दां मैं साइरस और आज का वीडियो है जिस पे हम बात करने वाले हैं बॉडी ऑर्डर और स्किन पिगमेंटेशन। खास करके स्किन के कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, चाहे वो अंडर आर्म्स हो, डार्क नेक हो, डार्क एल्बोज हो, डार्क नीज हो, कुछ इंटीमेट एरियाज होते हैं फीमेल्स में, खास करके इनर थाइज, जिसकी वजह से फीमेल्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं और अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन पाती हैं। और बॉडी में से ये दुर्गंध क्यों आती है, इस पर जल्दी से बात करते हैं। और साथ में हम रिव्यू करने वाले हैं प्लेक्स के कुछ प्रोडक्ट्स। सो पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनेस, ग्रूमिंग, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी ज़्यादा सन एक्सपोजर होना, टाइट कपड़े पहनना या स्किन का आपस में फ्रिक्शन करना या ज़्यादा हेयर रिमूवल क्रीम लगाना, ज़्यादा वैक्सिंग करना, ज़्यादा स्क्रबिंग करना या कुछ ऐसी केमिकल वाली चीज़ें लगाना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के कुछ हिस्से हैं, खास करके अंडर आर्म्स, डार्क नेक, डार्क एल्बो, डार्क नीज या इनर थाइज, तो ये जो एरियाज है वो डार्क हो जाते हैं। इनको ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आपके जो एरियाज है इसे क्लेंज करना ज़रूरी है, अच्छे से साफ़ करें और उसके बाद जो डेड सेल्स हो, जो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इनको रिमूव करना ज़रूरी है। इनको रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आता है, आप किसी भी तरह का स्क्रब, नेचुरल स्क्रब जो आता है ले सकते हैं, चाहे वो कोकोनट स्क्रब हो, बेसन हो, मुल्तानी मिट्टी हो या राइस पाउडर हो, शुगर पाउडर हो। लेकिन अगर मैं इनसे भी अच्छा आपको एक स्क्रब बताऊं तो यहाँ पे मैं रिव्यू करना चाहूँगा प्लेक्स का पाइनएप्पल सॉफ्ट एंड स्मूथ जूसी स्क्रब। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड और पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं जो आपकी डल स्किन और डेड स्किन को रिमूव करता है और बहुत जेंटल तरीके से रिमूव करता है, किसी तरह की इरिटेशन नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, इसमें नियासिनमाइड है जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है और स्किन को लाइट करता है, जिसकी वजह से आपके अंडर आर्म्स, आपकी नीज, आपके एल्बोज हैं ये ज़्यादा ब्राइट होने लगते हैं। फिर इसमें एलोवेरा दिया गया है जो कि एक इंटेंस मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। ये पहला स्टेप था, आपने अपनी स्किन को साफ किया और जितने भी डेड सेल अक्यूमुलेट हो रखे थे उसको आपने हटा दिया। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है स्किन को नरिश करना। यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं पाइनएप्पल ब्राइट पॉलिशिंग क्रीम। ये पॉलिशिंग क्रीम क्यों रखा है, क्या ये स्किन को पॉलिश करती है? आइए देखते हैं। स्क्रबिंग के बाद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन को नरिश किया जाए। इसके अंदर नियासिनमाइड दिया गया है जो स्किन में जो एक्सेसिव मेलानिन प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस करता है और स्किन पिगमेंटेशन को ये 6 से 8 हफ्ते के अंदर कम करता है। फिर इसमें स्क्वालेन दिया गया है जो आपके अंडर आर्म्स हो गया, नीज हो गया, आपका नेक हो गया, इंटीमेट एरियाज हो गया, इसे एक लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से आप अपनी स्किन को साफ कर सकते हैं, स्क्रब कर सकते हैं, स्किन को नरिश कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्लेक्स का दावा है कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर आपको काफ़ी अच्छा विजिबल रिजल्ट मिलेगा। बाकी हमेशा याद रखें दोस्तों, आप अपनी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखें, पानी ही पीना ज़रूरी नहीं होता, पानी के साथ साथ आपको फल और सब्जियां भी खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि फल और सब्जियों में 70-80% वाटर होता है, साथ में आपको सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है बॉडी ऑर्डर, शरीर में से ये दुर्गंध क्यों आती है। दोस्तों जो हमारा पसीना होता है उसमें किसी तरह की दुर्गंध नहीं होती, पसीना जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है, स्किन पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिससे रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से बदबू आती है। मैं जिम रेगुलर जाता हूँ, मैं स्लीवलेस भी पहनता हूँ, तो स्किन के फ्रिक्शन की वजह से भी कई बार आपको काफ़ी पसीना आता है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ प्लेक्स का पाइनएप्पल ऑर्डर कंट्रोल अंडर आर्म रोल ऑन। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खास करके मेरे लिए, आपको पसीना काफ़ी आता है, दुर्गंध भी आती है, तो डेफिनेटली ये मदद करता है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इसमें लैक्टिक एसिड है और मैंडलिक एसिड है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो ये जो बॉडी ऑर्डर कॉजिंग बैक्टीरिया है ये रिमूव होता है। और जब मैं इसको लगाता हूँ तो थ्रू आउट मेरी जो आर्म्स हैं वो एकदम फ्रेश रहती हैं और किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती। इसमें विटामिन सी है जो टायरोसिनेज एक एंजाइम्स होता है उसे ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो नहीं होता और स्किन आपकी साफ रहती है। सो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलता है ब्राइट और फ्रेश अंडर आर्म्स थ्रू आउट द डे। सो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने बात करी है ये जो स्पेसिफिक स्किन पिगमेंटेशन है, चाहे वो अंडर आर्म्स हो, नेक हो, एल्बो हो, नी हो या इंटीमेट एरियाज हो, इनको आपने कैसे साफ करना है, स्क्रब करना है, नरिश करना है और बॉडी ऑर्डर को किस तरह से दूर करना है। अगर कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ध्यान रखें, जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करता हूँ उसका रातों रात रिजल्ट नहीं मिलता। प्लेक्स का दावा है अगर आप इनके प्रोडक्ट 6 से 8 हफ्ते यूज करते हैं तो आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों प्लेक्स के जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी वायरल हो रखे हैं,
हो सकता है मार्केट में इसके फेक प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएं, तो कोशिश करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखे हैं आप वहीं से खरीदें। प्लिक्स की वेबसाइट है, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं। बाकी ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने स्किन पिगमेंटेशन और बॉडी ऑर्डर के बारे में बात करी है, इसको किस तरह से ठीक करना है। कोई सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्लॉगिंग चैनल है साइरस वीरा, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मज़ा आता है जब आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं। मेरा ज्वाइन का बटन है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे मेंबर बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर आ सकता है, वो फ्राइडे को मैं शाम को लाइव आता हूँ 6 बजे, आप डायरेक्ट आके मुझसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, मज़ा आता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कॉमेंट करते हैं। Thank you so much for watching this video. Keep growing, spread the love.